हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में। राइट अवे आज समझ लेते हैं एक सेटअप जो कि आपको कल हेल्प करेगा मार्केट में मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। यानी कि निफ्टी बुलाती है कब जाना है कब नहीं जाना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अभी तक आपको बोलता है निफ्टी बुलाती है जाने का नहीं, निफ्टी बुलाती है जाने का नहीं, लेकिन अगर हमारी कल की बात आज का फॉलो करते हो प्रॉपरली तो भैया बस एक ही रिक्वेस्ट है, 10 दिन लेवल्स को कॉपी पेन लेके बैठो, नोट करो और उन लेवल्स को अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म में ड्रॉ करके वेट करो और देखो 10 दिन कम से कम किस तरह से मार्केट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टार्ट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इसको मैं छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं इसको भी, हाँ हाइड कर देते हैं सो आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये मेरे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अलग मेथड है। एनीवे, तो आज अगर मैं बात करूं निफ्टी फ्यूचर्स की, सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में समझ लेते हैं कि निफ्टी कहना क्या चाहती है, कहाँ लेके जाएगी, पैसा बना के देगी या फिर पैसा आपसे लेके जाएगी, वो हम इंट्राडे का सेटअप समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेरा लक्ष्मण रेखा है। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हो, अगर आप मेरे को डेली बेसिस पर आके देखते हो तो आपको पता रहेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो लक्ष्मण रेखा मैंने आपको बताया था, 25,000, याद है 25,000 एंड 25,047, ये आवर लक्ष्मण रेखा होगा जो कि रेड जोन है। इस जोन में आए ओनली थिंग फॉर द सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। मार्केट देखो नीचे से आया एग्जैक्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट, और आज अगर मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं तो आप देखो पिन पॉइंट मार्केट ने गैप अप खोला, लोगों को लग रहा था कि हाँ फट जाएगा, ये रिजल्ट अच्छा है वगैरह वगैरह, 10 तरह की बातें हो रही थी। मार्केट ने सिर्फ पप्पू बनाया आप लोगों को, यानी कि किस किया, हमारे लक्ष्मण रेखा को रिस्पेक्ट किया, और वहीं से मार्केट देखो टन 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 करके गिरता चले गया। ये है एडवांस प्रेडिक्शन, ये है जो एक दिन पहले ही बता देता हूं कि क्या लेवल है। भाई देखो, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो हमारे लक्ष्मण रेखा को रिस्पेक्ट करके जाना पड़ेगा, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो हमारे लक्ष्मण रेखा को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट। और देखो याद है जो 22 तारीख को, सॉरी 20 तारीख को यानी कल, जो मैंने इवेंट में पढ़ाया था अपने हैदराबाद स्टूडेंट्स को, जो आए थे 250 लोग आए थे वहां पे, उन लोगों को मैंने पढ़ाया था एक सेटअप, और देखो एग्जैक्ट वो सेटअप आया है। और 2 आवर सेटअप भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी शेयर करवाई थी, वो शेयर स्ट्रैटेजी के अंदर भी आ रहा है। मैंने अपना एमटीएम क्या बनाया आपको उस ग्रुप में, प्राइवेट जो ग्रुप है हमारा जो हैदराबाद का ग्रुप बना है, उसमें मैंने अपना एमटीएम भी शेयर कर दिया, सो दैट आपको पता चल जाएगा कितना हमारा पैसा बना है। लाइव रिकॉर्डिंग भी कर दी है शेयर। ब्रेकफास्ट का भी आपको देखना है तो यूट्यूब पे जाकर चेक कर लीजिएगा, ब्रेकफास्ट भी मैंने किस तरह से करा, सुबह सुबह 10 मिनट के अंदर 54,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक करा। और उसके बाद थोड़ा सा वही है ना सर, ट्रेडर हूं तो दिल नहीं मानता, जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, कुछ कुछ करके कुछ कुछ करके ये अकाउंट 54,000 रुपये सुबह सुबह बना लिए थे, यानी कि इंडिया मार्ट में 14,000 का प्रॉफिट बनाया था। और दूसरा जो ट्रेड लिया था मैंने, इंडियन होटल में सुबह सुबह ट्रेड ले लिया था 40,000 रुपये का, इसमें प्रॉफिट बन गया था। तो इस दोनों का अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट 58 से 60,000 के आसपास बन गए थे सुबह सुबह 10 मिनट के अंदर बन गए। देखना चाहोगे मैं आपको ट्रेड ऑर्डर भी दिखाता हूँ। ये देखो इंडियन होटल 9:18 पे, और उसके बाद सीधे सीधे 9:22 पे मेरा ट्रेड ओवर हो चुका था। आप खुद देख लो यहाँ पे 9:18 से 9:22 के बीच में मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका था, 10 मिनट के अंदर पैसे बना चुका था, 10 मिनट के अंदर मेरे 60,000 रुपये बन चुके थे ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख रुपए। मैं हमेशा बोलता हूँ 2.5 से 3 लाख रुपए का मेरा कैपिटल में मैंने अपना बना लिया था। लेकिन उसके बाद मन नहीं मानता तो खुजली होने लगी, तो फिर मैंने इंडिया मार्ट का पुट दोबारा लिया। पहले पुट में बनाया 14,000 रुपये, फिर मैं कहा यार डबल सर्किट लग गया, 20% नीचे के आसपास सर्किट लगा, मैंने कहा चलो उठा लेता हूँ, फिर मैंने उठाया तो फिर रिवर्ट हो गया, तो ये 1 लाख का नुकसान हो गया। फिर दोबारा ट्रेड करके इसको 40,000 का नुकसान में लाया, फिर इंडिया मार्ट का कॉल में प्रॉफिट लिया 27,000 का, फिर इंडियन होटल सॉरी इसमें बैंक निफ्टी में 24,000 का ट्रेड करके बैठ गया, और साथ ही साथ में बजाज फिनसेवर में 8,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मोटा मोटी 78,000 है, लेकिन सच बताऊं आई एम वेरी हैप्पी जो सुबह सुबह 10 मिनट में आया। उसके बाद देखो मैं आपको ईमानदारी के साथ बताऊं, देखो ट्रेड सर 10:22 तक खत्म हो गया था, उसके बाद जबरदस्ती 9:46, 10 बजे, 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 11 बजे, 11 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 12, 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 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, मैं ट्रेड लेता गया, लेता गया, लेता गया,
और यही आज भले पैसे बन गए लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है जो मैं भी आप ही की तरह कर लेता हूं। लेकिन हाँ, अब ये जो वीकनेस है रोज नहीं होती है, महीने में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हो जाती है, लेकिन 22 में से चार हटा दो तो 18 दिन साइकोलॉजी परफेक्ट है। ये 4 दिन की अभी भी तैयारी कर इंसान ऐसा होता ही है, इसलिए कहते हैं ऑटोमेशन वगैरह के तो कोई इमोशंस नहीं आता है। एनीवे, बट आई एम हैप्पी। टचवुड, सेटअप पता है, गलती करता हूँ वो पता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा तो बन जाता है। महीने के एंड में अगर मैं बात करूँ, 3 लाख के कैपिटल पे अगर 3 लाख रुपए आपका बन रहा है, 100% ROI आप बना रहे हो, तो आई थिंक डिसेंट है यार। 3 लाख रुपए की सैलरी तो अच्छे अच्छे लोगों की भी नहीं होती है, राइट? सो ये आज 78 बन गया है। लेट्स सी कल क्या होगा, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है? अब बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। सिंपल सा एनालिसिस समझ लो, एनी रेड कट बाउंस ओनली थिंग फॉर द सेल। मैं कोई मूड नहीं है मेरे को इसको बाइंग करने का। बाई चांस मार्केट दोबारा 24,856 के ऊपर सस्टेन करती है तो आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनवा दूं तो मैं कहूंगा कि भैया 856 नहीं, 24,870 के ऊपर अगर सस्टेन करेगी 10 मिनट भी, तो 970 का पहला और दोबारा 25 एंड 25,47 का दूसरा लेवल्स रहेगा जो हमें एक्टिवेट देखने को मिल सकता है, ठीक है? बाई चांस यहां से और पैनिक होता है तो यू शुड हैव पेशेंस। मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूं अंटिल अनलेस जब तक मेरा ये 24,670 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। अगर 24,670 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर 24,547, 24,470 तक का लेवल होगा और इसी जोन में फिर से अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा बाइंग करने की। अगर आपको मेरे से सीखना है, समझना है, लाइव मार्केट एनालिसिस करना है तो कम एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको मिल जाएगा सारी डिटेल्स किस तरह के लाइव चैनल में हम करते हैं। अब मैं अगर बात करूं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की, कितने लोगों ने इस जगह पे सेल करा मुझे कमेंट करके बताओ। क्या आपने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में या बैंक निफ्टी में यहां पर ट्रेड करने की कोशिश करी कमेंट करके बताओ। कितने लोग पता, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है यहां पर कैसे सेल किया जाता है। अब मजे की बात, अगेन लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा क्या देख लो, नोट करो सर, 52,56, 52,156, 52,256 का इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा है जो कि रेड जोन है। इसी जोन में जब तक ये 256 के ऊपर नहीं जाएगा नो बाइंग एट ऑल। 256 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 52,456 एंड 52,856 तक का लेवल देखने को मिलेगा। बाई चांस मार्केट 51,856 के नीचे अगर ये टूटा फिर कुछ बड़ा धमाका है, कम से कम 800 से 1,000 पॉइंट का लोअर लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। फिर बाद में मत बताना सर बताया नहीं, इससे पहले भी बताया था गया। 856 इज अ लक्ष्मण रेखा, 51,856 के नीचे 51,456, 51,256 और उसके बाद 50,856 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स को प्लीज नोट करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, मेरा पर्पस है मार्केट में आपको एनालिसिस करके दूं जिससे कि आपको हेल्प करे, जिससे मार्केट में ट्रेड करने में आप दो पैसा बना सको। कैसी है मेरी पहल, कैसी है मेरी मुहिम, कैसी है मेरी कोशिश, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना। बहुत सारे लोग मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉस कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में लॉस कर रहे हैं, सेबी खुद बोलती है, तो इन लेवल को शेयर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए चार्ज नहीं है। और अगर आपको इसके अलर्ट चाहिए, निफ्टी कल की बात आज के, आपको अलर्ट चाहिए तो बहुत ही जल्दी आपके मोबाइल ऐप के थ्रू मैं आपको अलर्ट दिला दूंगा, सो दैट नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि अब करना क्या है। लक्ष्मण रेखा आ गया तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको ऐप चाहिए तो हैशटैग ऐप लिखो, APP हैशटैग ऐप लिखोगे तो भैया मेरे को पता चल जाएगा आपको जरूरत है, तो मैं फिर आप लोगों के लिए बना के आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। ऑलमोस्ट तैयार है, बस लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। हैशटैग ऐप लिखिए सो दैट मुझे भी समझ में आएगा। डील, ये हो गया कल की बात आज, सिंपल एंड नीट एंड क्लीन। आशा करता हूँ आप लोगों को लेवल्स अच्छे लगे होंगे। लेवल्स अच्छे लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। जय हिंद, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का जरूर से ध्यान रखो। जय हिंद।